हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीट को प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 1863, सम ऑफ ऑल सबसेट एक्सोर टोटल्स। सो क्वेश्चन ये इजी लेवल का है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें जो है एक्सोर टोटल यहाँ पे बता रखा है कि एक्सोर टोटल के डेफिनेशन क्या होता है। डिफाइन एज द बिटवाइज एक्सोर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट और जीरो अगर एरे जो है मेरा एम्प्टी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एरे है जिसमें तीन एलिमेंट्स है, 2, 5 एंड 6। ठीक है, तो इनका जो एक्सोर टोटल होगा वो बेसिकली क्या होगा, द एक्सोर ऑफ ऑल एलिमेंट्स डेट आर प्रेजेंट इन दिस एरे। यानी कि वही कि 2 एक्सोर 5 एक्सोर 6, तो इसका आंसर आ गया मेरा 1। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन एन एरे नम्स रिटर्न द सम ऑफ ऑल एक्सोर टोटल्स फॉर एवरी सबसेट ऑफ नम्स। तो हमें इसमें जो है सबसेट के लिए निकालना है। ठीक है, और सबसेट क्या होता है कि शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। एन एरे इज अ सबसेट ऑफ एन एरे बी इफ ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बी बाई डिलीटिंग सम पॉसिबली जीरो एलिमेंट्स ऑफ बी। तो जैसे इस केस में मेरे को 1 और 3 दे रखा है एग्जाम्पल इनपुट में, जो मेरे को फर्स्ट मेरे को जो एग्जाम्पल दे रखा है 1 और 3। तो इस 1 और 3 के जो है सबसेट अगर हमें पता करने हो, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं। तो देखो इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं इसका पावर सेट निकालूँ तो पावर सेट हो जाता है मेरा 2 टू दी पावर n। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। तो इसके मैं इसका जो पावर सेट बनेगा ना उसमें 4 सबसेट होंगे बेसिकली। और वो कौन से होंगे, एक तो होगा मेरा एम्प्टी, एक होगा मेरा 1, एक होगा मेरा 3 और एक होगा मेरा ये अपने आप वाला यानी कि 1 और 3। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली ये जो एलिमेंट्स मिले ना इनके एक्सोर निकाल कर इनका जो है इन मतलब जैसे ये जो एलिमेंट है इनका एक्सोर निकाल कर इनको जो है ऐड कर देना। तो जैसे ये मेरे पास एम्प्टी है तो इसका एक्सोर भी अगर मैं निकालूँ तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो देखो सबसे पहले मेरे को एम्प्टी सेट मिला तो उसका एक्सोर मैंने निकाला विद टोटल ऑफ 0। फिर देन मैं 1 का निकालूंगा तो 1 के साथ तो मैं मतलब 1 का मैं अगर एक्सोर निकालूँ किसके साथ, 0 के साथ, तो वो तो 1 ही आएगा ना। देन 3 का तो 3 आएगा एंड इनका मैं एक्सोर निकालूँ 1 एक्सोर 3 तो ये होता है मेरा 2। तो इनका एक्सोर निकालने के बाद इन सबको आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा मेरा 3 प्लस 2 5 6, तो ये आ जाएगा मेरा 6। तो इसका आंसर आना चाहिए 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आउटपुट आ रहा है 6। तो इसमें बेसिकली 2 ऑपरेशंस हैं। पहला तो ये है कि भाई आप सबसेट निकालो और दूसरा ये है कि उस सबसेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एक्सोर निकाल कर देन उनको आप ऐड कर दो। तो ये हम रिकर्जन की हेल्प से कर सकते हैं अगर आपने ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है सबसेट निकालने का, कि मेरे को एक एरे दे रखी है और उसका मुझे सबसेट निकालना है रिकर्जन की हेल्प से, तो वो हम निकाल सकते हैं। अगर वो वाला क्वेश्चन आपने करा हुआ है तो ये वाला भी बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, 5, 1, 6, 5, 1 एंड 6। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ। तो 5, 1, 6 में बेसिकली क्या है कि मेरे को पहले इसका सबसेट निकालना है और देन मेरे को पता करना है उनके बीच के एलिमेंट का एक्सोर। ठीक है, तो देखो इसका सबसेट कैसे निकालते हैं अगर आपने एक क्वेश्चन करा हुआ है। तो आप बेसिकली 2 कॉल्स मारते हो यहाँ पर, है ना, एक इंक्लूड वाली कॉल एंड एक एक्सक्लूड वाली कॉल। तो इनिशियली मेरा जो पॉइंटर है वो है अभी 5 पर खड़ा, तो मेरा जो आंसर एरे बनेगा उसमें मैं 5 को इंक्लूड कर सकता हूँ या फिर मैं 5 को क्या कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कर सकता हूँ, तो यानी कि अभी एम्प्टी। ठीक है, पहला ये हो सकता है मेरा। अब जब मैं गया इस वाले पर, 1 वाले पर, तो इसके लिए मेरे पास 2 है ऑप्शंस कि मैं इस 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ या 1 को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 को इंक्लूड करता हूँ, तो 1 को इंक्लूड करूँगा तो ये आ जाएगा 5, 1, और 1 को एक्सक्लूड करूँगा तो ये मेरे पास सिर्फ 5 ही रहेगा। सिमिलरली इसमें मैं 1 को इंक्लूड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 को एक्सक्लूड करूँगा तो ये हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, देन 6 के लिए मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन आ गए कि भाई मैं इसमें 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें सॉरी इसमें 6 को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें 6 को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर मैं 6 को इंक्लूड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 5, 1 एंड 6, एंड अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो ये सिंपली 5 एंड 1 आ जाएगा। सिमिलरली 5 के साथ भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 5, 6 एंड एक्सक्लूड करने पर ये आ जाएगा 5। सिमिलरली 1 के लिए क्या हो जाएगा मेरा 1, 6 एंड 1 क्योंकि मैंने एक्सक्लूड करा, एंड देन इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें मैं इंक्लूड करूँगा तो ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसके कितने सबसेट बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास अगर n एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर n सबसेट बनते हैं, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 3 विच इज़ 8, तो मेरे को ये 8 सबसेट मिल गए यहाँ पर। ठीक है, जो कि बेसिकली ये वाले सबसेट हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इधर है एंड 4 इधर है। तो अब मेरे को बेसिकली करना क्या है कि ये जो सबसेट निकले, जैसे आपने सबसेट निकाल दिए, तो अब आप सिंपली एक एक सबसेट पर जा सकते हो
और उनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनका एक्सओआर निकालो, इसका एक्सओआर निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, देन फिर आपने इसका निकाला, इन चारों का निकाला, एंड देन जो भी एक्सओआर आया उसको सिंपली ऐड कर दो। तो एक तो ये हो सकता है, बट यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, और वो एक और चीज़ पता कैसे हो सकती है कि देखो जैसे मैं इंक्लूड एक्सक्लूड की कॉल्स लगाए जा रहा हूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा लेवल 0 है, ठीक है, ये मेरा लेवल 1 है, देन ये मेरा लेवल 2 है, ये जो ये वाला लेवल है ना, ये यहाँ से यहाँ ये जो लेवल है ये है मेरा लेवल 2, और ये वाला लेवल है 3, ठीक है, ये जो ये वाली चीज़ है मतलब 1.6 ये इस लेवल पर आ रही है, थर्ड लेवल पर, ठीक है, तो उसको थोड़ा ऊपर दिखाया, बट आप कन्फ्यूज़ मत होना, तो ये लेवल 3 है, तो इसमें मेरे 3 लेवल्स हैं। तो आप ये देखोगे कि मैं जो इंक्लूड एक्सक्लूड की कॉल्स लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ लेवल वाइज, है ना, जैसे इंक्लूड हो गया यहाँ पर मेरा हो गया, एक्सक्लूड हो गया, सिमिलरली इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लेवल वाइज कॉल लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पर फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लेवल्स में इंक्लूड और एक्सक्लूड की कॉल लगा रहा हूँ, तो उसमें जो इंक्लूड वाली कॉल है ना, इंक्लूड वाली कॉल का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने सबसेट में उस एलिमेंट को इंक्लूड करो, तो भाई जब आप उसको इंक्लूड कर रहे हो तो उसी वक्त उसका एक्सोर निकाल लो, लास्ट में निकालने की क्या ही ज़रूरत है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि जैसे मैं कोई अपना वो बना रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल, करंट एक्सोर नाम से कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको इनिशलाइज कर दे रहा हूँ 0 से, तो आपने क्या करा कि जैसे 5 को इंक्लूड करा, अच्छा तो आप क्या करो सिंपली यहाँ पर एक्सोर निकालते हुए चलो कि भाई 5 एक्सोर मतलब 0 एक्सोर 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका करंट एक्सोर जो होगा वो हो गया 5। फिर आपने क्या करा, 1 को इंक्लूड करा, अच्छा तो अब आपको जो करंट एक्सोर है ना उसके साथ आपको एक्सोर करना है उस वाले एलिमेंट का जिसको आपने इंक्लूड करा हो, जैसे इसमें मैंने 1 को इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पर सिमिलरली आप 5 एक्सोर 1 कर सकते हो। फिर आपने क्या करा, अच्छा भाई 6 को इंक्लूड करा, तो सिंपली इसका एक्सोर निकाल दो 6 के साथ। तो लेवल्स में जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ रहा हूँ और जैसे जैसे मैं अपने एलिमेंट्स को इंक्लूड करते जा रहा हूँ, मैं सिंपली उनका एक्सोर भी निकालते जा रहा हूँ, और फाइनली क्या करो यार, इनको ऐड कर दो। तो ऐड आप कैसे करोगे कि जो आपकी इंक्लूड वाली कॉल है जो एक्सक्लूड वाली कॉल्स है, तो वहाँ से तो आपको ये करंट एक्सोर की वैल्यू मिल ही जाएगी, और सिंपली फिर लास्ट में उनको ऐड कर देना और फिर रिटर्न कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो कि मैं जैसे यहाँ पर एक इंडेक्स बना लेता हूँ जो कि इनिशियलाइज है 0 से, और एक यहाँ पर करंट एक्सोर भी बना लेता हूँ मैं जो कि इनिशियलाइज है 0 से, और मैंने नम्स नाम का फंक्शन बनाया जिसमें इन तीनों को मैंने पास कर दिया, कि भाई इंडेक्स को भी पास कर दिया एंड करंट एक्सोर की भी वैल्यू को भी पास कर दिया, ऑल राइट, एंड बस मेरे को सिंपली ये फंक्शन बना देना है। मेरे पर इंडेक्स मिल जाएगा एंड एक मेरे को मिलेगा यहाँ पे करंट एक्सोर। अब इसका आप अगर बेस केस सोचोगे कि क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो एक यहाँ पे मैं बेस केस बना दूंगा। बेस केस क्या होगा कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नम्स डॉट साइज जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि ये इंडेक्स कहाँ से आया, तो देखो मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ पर पॉइंटर्स ये जो यूज़ कर रहा हूँ कि पहले 5 है फिर 1 है फिर ये, ठीक है, तो अगर ये जो मेरा आउट ऑफ बाउंड चला गया यानी कि ग्रेटर देन नम्स का जो साइज़ है वो हो गया, तो उसके मुझे रिटर्न क्या करना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरे करंट एक्सोर की वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा अपना करंट एक्सोर। अब मैंने क्या बताया कि जो इंक्लूड वाली कॉल होगी एक तो वो लगानी है, तो इंक्लूड वाली कॉल मैं ऐसे लगा सकता हूँ कि इंट इंक्लूड, और मैं यहाँ पे इंट पता क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इंक्लूड वाली कॉल लगाने के बाद जब वो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा ना, तो वो मेरे को एक करंट एक्सोर की वैल्यू देगा, ठीक है, तो वो इंट टाइप की होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट इंक्लूड। और देन वहाँ पर जो एक्सक्लूड वाली कॉल होगी ना, वहाँ से भी मेरे को एक्सोर करंट एक्सोर की वैल्यू मिलेगी, तो उन दोनों को फिर मैंने ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नम्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो मेरा इंडेक्स है वो हो जाएगा +1, और क्योंकि मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरा जो करंट एक्सोर होगा उसमें मुझे पता एक्सोर कर लेना है नम्स का जो इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा उसका। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा था कि मैं 1 को इंक्लूड कर रहा था, ठीक है, 5 के बाद मैं 1 को इंक्लूड कर रहा था, तो देखो मैंने 1 को इंक्लूड करने के बाद मैंने जो करंट एक्सोर था जो कि 5 था उसमें मैंने एक्सोर ऐड कर दिया 1 का, देन मैंने एक्सोर करा 6 का, है ना, तो मैं बेसिकली इंक्लूड वाली कॉल्स में एक्सोर ऐड करे जा रहा हूँ। बट अगर मेरे को एक्सक्लूड वाली कॉल लगानी हो, एक्सक्लूड एक्सक्लूड वाली कॉल, तो एक्सक्लूड वाली कॉल में क्या होगा, नम्स तो आप पास करोगे ही, ठीक है, इंडेक्स तो मेरा आगे बढ़ेगा ही, बट जो मेरा करंट एक्सोर है ना उसका एक्सोर नहीं होगा एलिमेंट्स के साथ, तो यहाँ पे सिंपली आपको करंट एक्सोर ही पास कर देना है।
और लास्ट में रिटर्न क्या बोला था मैंने करने के लिए कि जो इनका सम रिटर्न करना है, तो यानी कि इंक्लूड वाले से जो रिजल्ट आया होगा और एक्सक्लूड वाले से जो रिजल्ट आया होगा उनको आप सिंपली ऐड कर दो और रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे को बेसिकली रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है, ठीक है। 99 डेज कंप्लीटेड। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, देखो मैं हर एलिमेंट को बस एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे एलिमेंट्स कितने होंगे जितने मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास बेसिकली जैसे यहाँ पर जो मेरे पास ये एरे थी इसमें 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसके सबसेट जो बन रहे थे वो बन रहे थे 2^3। तो अगर मेरे पास एन एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2^n, और मैं एन एलिमेंट्स में तो ट्रैवर्स कर रहा हूँ एट मैक्स, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी 2^n, ठीक है, जो कि एक एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट्स अगर मैं देखूँ, देखो कॉन्स्टेंट देखो सिर्फ 12 है, तो ये जो सॉल्यूशन है ना ये एक्सेप्ट हो रहा था, ठीक है। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन, वेयर एन आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि मेरे को इस एरे में गिवन होंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।